अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मालपुआ बना रहे हैं। उसके लिए हमें चाहिए मैदा 200 ग्राम है, 200 ग्राम चाशनी के लिए शक्कर, 200 ग्राम खोआ, 100 ग्राम रवा, इलायची पाउडर। अब ये खोए को चले स्टार्ट, खोए को अच्छा सा खोआ डालिए, खोए को अच्छा सा नरम कर, देखिए मैं कट्टू फर्श कर देती खोए को, थोड़ा पानी डाल के अच्छा देख, तुम्हें इसका बेटर बना दे। देखिए अच्छा से आइए मैदा डाल देंगे, सूजी डाल देंगे, इलायची पाउडर, एक अच्छा सा बटर बना देंगे, इसमें शक्कर नहीं डालना। और पानी लगा, देखिए इसका बटर ऐसा रहना चाहिए। अभी 20 मिनट के वास्ते रेस्ट करने रख दीजिए। देखिए सूजी मैदा 20 मिनट हो गया, चलिए अच्छा सा बटर फूल गया। देखिए चलिए स्टार्ट कर, दो फ्राई पैन रखे, एक में घी डाल रहे, एक में चाशनी बना रहे। देखिए गैस ऑन कर, इसमें घी डाल देंगे, मिठाइयां देसी घी से अच्छे होते हैं। देखिए चाशनी बन रही है, एक कटोरी शक्कर की 200 ग्राम, आधी कटोरी पानी का, शक्कर का आधा हिस्सा पानी का, चाशनी। एक ही गर्म हो जाएंगे फिर चाशनी में केसर के धागे डाल, देखिए हमारा घी गर्म हो गया मीडियम फ्लेम पे।
देखिए हमारी इधर चाशनी भी है। देखिए शीरे में चाशनी में डाल देना गरम, देखो गोल्डन ब्राउन तले गए। देखिए चाशनी फिर ये बैटर कैसी। देखिए मालपुए की है आप ही बना रहे हैं। दूध डाल दी देखिए हमारा दूध बॉयल हो रहा। ये मिल्क पाउडर है, कौन सी भी कंपनी का आप डाल सकते। देखिए खोआ 2 टीस्पून शक्कर डालो। मिल्क पाउडर भी मीठा रहता, मिल्क पाउडर भी मीठा रहता। देखिए 3 कोरी। देखिए हमारी अच्छे से लावरी बन गई। 2 टीस्पून गुलाब जल, 3 शॉट कर बन गए। देखिए दोस्तों मालपुआ हमारी रेसिपी बन गई। पिस्ते के साथ डिफरेंट। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह नई रेसिपी लगे।